हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग बनाने वाले हैं ये एक पूजा के लिए पीढ़ा या फिर पटा जो बोलते हैं। ये मुझे ना ऐसे मिला था, बेकार पड़ा हुआ था। ये देखिए, इसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, पर मैंने सोचा इसको रीयूज़ किया जा सकता है। तो चलिए, इसको हम लोग थोड़ा सा मेकओवर करेंगे, डेंटिंग पेंटिंग करेंगे। ये देखिए, बिल्कुल यूज़ करने लायक तो था नहीं, क्योंकि दीमक इसको खा चुकी थी। तो मैंने थोड़ा साफ़ सफाई किया इसको, और ये देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो है ये क्ले है, खिड़की में जो लगाते हैं ना कांच के ऊपर, ये वो वाला क्ले है, तो वही मैंने इस पे लगाया है। तो जहाँ भी गड्ढे थे या जहाँ भी होल थे ना, मैंने सब उसमें इसको ना सेट कर दिया है। तो ये देखिए, इस तरीके से ये सेट हो गया है। और फ्रेंड्स, ये जो क्ले है ना, जल्दी सूखता नहीं है, थोड़ा टाइम लगता है। तो देन उसके बाद में ये जो वॉल पुट्टी का मिक्सचर रहता है, वो मैं अप्लाई कर रही हूँ। उसी का पेस्ट बनाकर मैंने अप्लाई किया, ताकि थोड़ा सा इसमें ना इक्वली दिखे, सेट आ जाए। क्योंकि अगर हम पेंट भी करेंगे तो थोड़ा सा उसमें जज हो जाता है कि अलग अलग है, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा ये हाथ से ही लगाया। मेरे पास कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं था लगाने के लिए, मैं इसको हाथ से ही फैला ली हूँ, और ये जल्दी सूख जाएगा। तो ये देखिए, इक्वल हो गया है, और ये नहीं दिख रहा है उतना। अब इसमें हम लोग ना पिंक कलर का एक्रेलिक कलर जो होता है वो करेंगे। आपको जो लगता है वो कर सकते हैं, क्योंकि ये मजबूत हो गया। अब ये देखिए, सूख गया है। थोड़ा पिंक कलर मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने सोचा चलो मैरून कर देते हैं। तो ये मैरून मैंने किया, तो थोड़ा ठीक लग रहा है मैरून कलर। वो जो पिंक कलर था ना कैमरे में, तो फिर भी ठीक लग रहा था, वीडियो में ऐसे रियल में देखने में बहुत ही ज़्यादा ख़राब लग रहा था। तो चलिए, इसके आगे की स्टेप हम लोग इसके आगे के स्टेप पर काम करते हैं। तो ये कुछ मिरर है, मैं मिरर वर्क करने वाली हूँ थोड़ा बहुत। कुछ मिरर है, तो मैं मिरर इसमें, ये है ग्लू, फैब्रिक ग्लू, उसकी हेल्प से मैं लगा रही हूँ। तो ये इसी तरीके से मैं चारों साइड पर लगा दूँगी। तो मैं अपने सोच सोच कर मैं लगा रही हूँ, क्योंकि एक मैं अपना जो रहता है ना, कि दिमाग में डिज़ाइन पहले से नहीं होता, बनाते जाती हूँ और वो आते जाता है। कभी कभी गड़बड़ भी हो जाती है इस चक्कर में, लेकिन ठीक है, काम तो चल जाता है। तो ये जो है, ये चारों तरफ से मैंने इसी तरीके से गोल वाले मिरर लगाए हैं। अब देखिए मैं इसमें, तो ये देखिए मैं इसमें ना थोड़ा सा बड़ा राउंड शेप वाला मिरर मैं बीच में लगा रही हूँ, दोनों साइड लगा लूँगी। एक्चुअली इसमें ना पेंसिल से पहले से निशान बना हुआ है, आपको शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन मैंने पहले निशान लगा लिया है कि जो भी मैं बनाऊँ दोनों साइड बराबर दिखे, इक्वल दिखे। तो ये ट्राइंगल में जो मिरर थे वो मैंने लगाए हैं अभी। और इसके बाद ना मैं थोड़ा सा इसमें और कलर भी करूँगी। तो इसी तरीके से चारों साइड ये स्क्वायर को कंप्लीट करना है। नहीं, रेक्टेंगल कहेंगे, स्क्वायर नहीं है ये, है रेक्टेंगल है। तो उसको कंप्लीट करना है, और मिरर लगा के कंप्लीट हो गया है। और ये देखो, ये जो है ना, ये थोड़ा सा वो जो पत्ती टाइप का शेप होता है ना, वो मैं मिरर के चारों साइड राउंड राउंड शेप में लगा दूंगी। तो लगाने के बाद काफ़ी अच्छा लग रहा है, आप देख रहे होंगे।
अगर फ्रेंड्स एक एक वीडियो का पूरा मतलब जो भी हम क्राफ्ट बनाते हैं उसका अगर पूरा स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक अगर हम लोग वीडियो बनाए ना तो 2-3 घंटे तो लग ही जाएंगे। इसलिए मैंने थोड़ा सा क्या है पूरा मैं आपको नहीं दिखा रही हूँ, थोड़ा वीडियो को कट कट करके फटाफट मैं दिखा देती हूँ। मेहनत बहुत लगती है, लगता तो बहुत ईजी है पर जब करने बैठो तो मेहनत बहुत होती है। तो ये देखिए इस तरीके से लगा हुआ है और ना इसको मैं और थोड़ा सा डिज़ाइन देने के लिए, खूबसूरती देने के लिए मैं थोड़ा सा येलो कलर इसमें यूज़ करूँगी। तो इस तरीके से मैं यूज़ करूँगी। पहले मैंने सोचा था कि मैं इसमें कुछ लिपन आर्ट करूँगी पर फिर मैंने सोचा नहीं लिपन आर्ट नहीं करते हैं, ये करते हैं। तो बस इसी तरीके से मैं इसमें राउंड राउंड जितने भी मिरर लगे हैं उनके आसपास येलो से मैं बाउंड्री बना दूंगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स ये जो है ना इतना कंप्लीट हो गया है, थोड़ा सा कहीं कहीं जो बचा है वो मैं अभी कंप्लीट कर देती हूँ फटाफट। और ये जो अंदर का जो रेक्टेंगल है उसको भी मैं अंदर से थोड़ा सा येलो कलर में दे देती हूँ क्योंकि बीच का जो स्पेस है उसमें ना मैं कोई सा क्राफ्ट या फिर मैं सोच रही हूँ कि ना कोई भगवान की जो मूर्ति रहती है ना वो मैं इसमें रख दूँगी। तो फिर देखते हैं ये है फाइनल लुक इसका। तो फ्रेंड्स मेरा वीडियो आपको कैसा लगा है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। और ये देखिए क्राफ्ट आपको पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो ये देखिए इस तरीके से मैं इसको यूज़ करने वाली हूँ। आज के लिए ही इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।